नमस्कार, आप देख रहे हैं सीहोर लाइव 24 न्यूज और मैं हूं विमल राय। आइए बात करेंगे इस समय बड़ी खबरों। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ आज पहुंचे सीहोर, यहां पर उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि 215 दिन भाजपा की सरकार को हो गए, वहीं 190 महीने शिवराज सरकार को हो गए। प्रदेश की क्या तस्वीर है? किसान का सत्यानाश, नौजवानों का सत्यानाश, निवेश का सत्यानाश, व्यापारियों का सत्यानाश, कानून व्यवस्था का सत्यानाश, शिक्षा स्वास्थ्य का, गौ माता का सत्यानाश, यह प्रदेश की तस्वीर है। शिवराज सिंह जी विकास यात्रा निकाल रहे हैं, 190 दिन बाद हिसाब यात्रा निकालना चाहिए। हिसाब यात्रा निकालें, विकास यात्रा नहीं। कमलनाथ ने कहा कि मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है, प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखकर प्रदेश का भविष्य उज्जवल रखेंगे, मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। भविष्य में बेरोजगार नौजवान है, यह सबसे बड़ी चुनौती है। कृषि क्षेत्र में नियम बनाकर पूरा सिस्टम चेंज करके इसमें सुधार ला सकते हैं, पर तब तक निवेश नहीं आएगा। मध्य प्रदेश में जब तक निवेश नहीं आएगा तब तक रोजगार के नए मायने नहीं बनेंगे। सीहोर में बाजार चलता है, किराने की दुकान चलती है, तब किसानों की गोद में पैसा आता है। आर्थिक गतिविधियां कैसे बनेंगी? अपने प्रदेश में बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करके, मीडिया इवेंट करके, क्या जो निवेश लगाना चाहते हैं उनको विश्वास होगा? मध्य प्रदेश की पहचान क्या है? आज मध्य प्रदेश नहीं है, भ्रष्टाचार प्रदेश है। मध्य प्रदेश कुपोषित मध्य प्रदेश है, यह मध्य प्रदेश की पहचान है। ये भाजपा नहीं है, रोड बनाने के नाम, रोजगार लाने के नाम जनता को, किसानों को परेशान किया जा रहा है। एक एक जिले में यही परिस्थिति है। चीफ ने जनसभा को संबोधित करते हुए आगे ये भी कहा कि भाजपा सरकार को कहो के घोटाले की सरकार है, भर्ती घोटाला, परीक्षा में घोटाला, पैसे दो और नंबर ले जाओ। अपने 15 महीने की सरकार और शिवराज के 190 महीने की सरकार के काम गिनवाते हुए शिवराज सिंह को खुली चुनौती देते हुए कहते हैं कि आप मेरे सामने आ जाइए और जनता के सामने आप अपनी 190 महीने की सरकार के काम गिनाइए और मैं 15 महीने की सरकार के काम गिनाऊंगा, फैसला जनता करेगी। विकास यात्रा पर दंश कसते हुए कहा कि विकास यात्रा में शासकीय संसाधनों का खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। और आपको इस संस्कृति का रक्षक बनना है, आपको इस संस्कृति का रक्षक बनना है, संविधान का रक्षक बनना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हम आगे आने वाली पीढ़ियों को ऐसा देश सौंप सकेंगे जो उनका भविष्य सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी के 215 महीने, शिवराज सिंह जी के 190 महीने पूरे हुए हैं। दिसंबर 2018 में मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने कांग्रेस की सरकार बनाई, कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी। शिवराज सिंह जी ने कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था, ऐसा प्रदेश जहां किसानों की आत्महत्या में नंबर वन। सीहोर तो कृषि क्षेत्र है, आपका गेहूं तो पूरे देश भर में मशहूर है, पर पूरे प्रदेश में किसानों की आत्महत्या में नंबर वन, बेरोजगारी में नंबर वन, भ्रष्टाचार में नंबर वन, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर वन, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा। कौन सी चुनौती नहीं थी, कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी कि हम कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाए, हम कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाए। ये सीहोर का बाजार, किराने की दुकान चलती है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा होता है। हमारे किसान के बच्चे, जहाँ यहाँ तो सभी किसान है, लगभग किसान के बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं जब किसान की जेब में पैसा है, उसकी खरीदने की ताकत हो। ये मैंने शुरुआत करी कि आपको खाद के लिए नहीं भटकना है, खाद के लिए आप भटके नहीं कांग्रेस के कार्यकाल में, सही बात है। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और सीहोर में 1,10,000 किसानों का कर्जा माफ किया, सही बात है। 480 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, ये तो पहला किस्त था। दूसरा किस्त चालू करा था हमने, दूसरा किस्त चालू किया था कि किसानों का पूरा कर्जा, केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, चालू खाते वाले किसानों का भी जाने का था, सही बात है। कौन सा गुनाह मैंने किया,
कौन सी गलती मैंने करी? मैंने कहा 100 रुपए सर यूनिट चाहिए, 100 रुपए सर यूनिट जल्दी मिली, कौन सा पाप मैंने किया? मैंने कहा मैं पेंशन बढ़ाऊंगा, हमने पेंशन बढ़ाई और बढ़ाने जा रहे थे, सही बात है माता बहन, और गौशाला को 15 महीने को सरकार ने 2.5 महीने तो गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव, 11.5 महीने मेरे पास थे, हमने शुरुआत करी थी। कौन सा पाप मैंने किया था, कौन सी गलती मैंने करी थी? हमने तो कांग्रेस की नीति और नियत का परिचय दिया, ये शुरुआत करना। मध्य प्रदेश की नई पहचान बने, सबसे बड़ी चिंता मुझे इन नौजवानों की है, सबसे बड़ी चिंता मुझे इन नौजवानों की, यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। हमारी माताओं और बहनों इतना जो मैंने सुनी बातें, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, महंगाई की बात हो, ये मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह जी ने भ्रष्टाचार प्रदेश बना दिया है, घोटालों का प्रदेश बना दिया है, हर दो एक ना एक घोटाला, परीक्षाओं में घोटाला, भर्ती में घोटाला, पैसे दे दो नंबर ले जाओ, ये आज तस्वीर हमारे सामने। और मोदी जी का क्या है, मोदी जी याद है 2013 में कहते थे 2 करोड़ नौजवान किसानों को 50% लागत पर नफा होगा, 2019 से नौजवान की बात नहीं करी, रोजगार की बात नहीं करी, याद है किसान की बात नहीं करी, पाकिस्तान की बात, सर्जिकल स्ट्राइक, राष्ट्रवाद, ये कांग्रेस को पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद का? मैं तो पूछ रहा हूं इनसे, एक नाम बता दीजिए स्वतंत्र संग्राम सेनानी का जो आज के साथ जुड़ा हुआ है, एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी के लिए। और ये बात सीहोर वाले अच्छी तरह जानते हैं कि ये तो स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की नगरी है, ये कलाकारी की राजनीति, ये ध्यान मोड़ने की राजनीति, ये गुमराह करने की राजनीति, ये कहां तक चलेगी, ये कहां तक चलेगी गुमराह करने की राजनीति? शिवराज सिंह जी तो आज 190 दिन का हिसाब भी देता है, विकास यात्रा निकाल रहे हैं, विकास यात्रा में पूरे संसाधन शासकीय, पूरा प्रबंध शासकीय। शिवराज जी अगर आपने इच्छा काम किया होता, आपको शासकीय खजाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको शासकीय मदद की जरूरत नहीं पड़ती, ये विकास यात्रा नहीं है, ये तो विकास यात्रा है, ये विकास यात्रा है। मैं तो आप हमारी और भी खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाली बेल आइकन को दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। खबरों में अभी इतना ही, आप बने रहिए सीहोर लाइव 24 के साथ। नमस्कार।